अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप हमेशा के लिए अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है कुछ समय के लिए। उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फेसबुक को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, फेसबुक को डिलीट करने के लिए आप जो है बहुत सारे मेथड हैं, तो मैं जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा फेसबुक लाइव से जो है कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। वैसे बड़ा वाला जो एप्लीकेशन होता है उसमें भी सेम प्रोसेस है, तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उसमें भी सेम यही स्टेप को फॉलो करके जो है फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए आप फेसबुक लाइट एप्लीकेशन के भी मदद ले सकते हैं, दोनों एप्लीकेशन का सेम प्रोसेस है, तो दोनों एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। सबसे नीचे आपको दिखेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इस एडिट पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं दो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो सबसे नीचे आपको मिल रहा है डिलीशन एंड डीएक्टिवेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, तो हमें अगर अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करके कुछ समय के लिए आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कोई भी आपका जो अकाउंट है वो सर्च नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका पोस्ट नहीं देख पाएगा, तो इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिलीट करने से पहले पूछेगा कि आप जो है क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख दूंगा कि माय अकाउंट वाज हैक्ड। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है परमानेंट डिलीट अकाउंट, आपका अकाउंट जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका फोटो, आपका मैसेज सब डाउनलोड करके रख ले, तो नीचे आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो इंटर पासवर्ड, आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे एक बार कंफर्म करेगा, तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हैं और 30 डेज के अंदर में अगर आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर जो है आप इसे ओपन कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपका अकाउंट जो है हमेशा के लिए डिलीट आपने कर दिया है और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, मान लीजिए कि आपने डिलीट करने के बाद सोचा कि यार किसी का मैसेज मुझे डाउनलोड करना था या किसी का मैसेज मुझे देखना था, तो आप 30 दिन के अंदर में अपने अकाउंट को जो है एक्टिव कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, और अभी भी आपका अकाउंट जो है डिलीट हो चुका है, फेसबुक पर सर्च करने पर नहीं आएगा। तो जैसे कि आपने देख लिया कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर में अपने फेसबुक अकाउंट को जो है डिलीट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।